वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जो आज हम रिव्यू करने वाले हैं, फुल रिव्यू आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ऑप्टोमा ईयरफोन है हमारे पास, सुपर बेस के साथ आपको ये देखने को मिलता है, इस तरह का पैकेज के साथ आपको देखने को मिलता है। और इसकी प्राइस भी आपको आगे बताऊँगा और आपको इसको परचेज करना सही रहेगा। इस वीडियो में आपको पूरा इसका रिव्यू आपको देने वाला हूँ, इसका बेस कैसा आता है नॉर्मल और आपको कम बजट में आपको मिलने वाला है जो आपको एक बेस एयरफोन्स ऑप्टिमा जो आपको डबल स्पीकर के साथ आपको देखने को मिलता है। और इसकी आपको रिव्यू करके मैं देता हूँ, पूरा सा पूरा आपको रिव्यू देता हूँ मैं इसका, और इसको आप परचेज करना सही रहेगा। इसका प्राइस है मैं अभी आपको बताता हूँ, और इसका प्राइस है 369 रुपीज़। इसका प्राइस आपको अमेजोन से देखने को मिल जाएगा, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। और पूरा आपको इसका रिव्यू करके पूरा वीडियो देख के आप इसे बाद में परचेस कर दीजिए, जो आपको आप अच्छे से मैं बताऊंगा इसका रिव्यू। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर, इस तरीके की आपको पैकेजिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ देखने को मिलता है ऑप्टोमा सुपर बेस देखने को मिलता है, और यहाँ पे पीछे से हाइलाइटेड देखने को मिलता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सुपर साउंड यहाँ पे लिखा हुआ भी देखने को मिलता है। अच्छा होगा एयरफोन्स, पूरा आपको टेस्ट करके मैं बताऊँगा। जो इसको करते हैं जल्दी से जल्दी ओपन पैकेट को, यहाँ पे पैकेट को ओपन कर दिया मैंने। यहाँ पे आपको सिंपल तरह से दो ही एयर कप्स देखने को मिलता है, इसमें एक, इसमें दो, और आपको दो चार एयर कप्स, और आपको एक्स्ट्रा फोर कप्स नहीं दिया गया है इसमें, आपको दो ही एयर कप्स देखने को मिलता है। यहाँ पे दो और यहाँ पे दो, चार एयर कप्स। और इसको साइड रख देते हैं, जो आपको फिजिकल रिव्यू देता हूँ मैं। जो आपको यहाँ पे 3.5 mm का आपको जैक देखने को मिलता है, 3.5 mm का जैक, काफ़ी बढ़िया जैक, और सिल्वर प्लेटिंग के साथ आपको जैक देखने को मिलता है, और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया लगती है यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे प्लास्टिक का बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिलता है, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी डिजाइनिंग और काफ़ी सही बात है। और यहाँ पे अभी कंट्रोलर की बात करता हूँ, आपको यहाँ पे कंट्रोलर देखने को मिलता है, काफ़ी बढ़िया कंट्रोलर आपको सही रहेगा कंट्रोलर ऑप्टिमा का। यहाँ पे आपका ब्रांडिंग देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको बटन्स देखने को मिलता है विद माइक्स के साथ, यहाँ पे आप बटन्स देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको एक डॉट देखने को मिलता है, वहाँ पे माइक देख सकते हैं, और आपको यहाँ पे स्लाइडर देख सकते हैं, और आपको यहाँ पे बटन के आपको ऑप्शन भी देखने को मिलता है पॉज करने का, और यहाँ पे आपको स्लाइडर भी देखने को मिलता है जो आपको पॉज करने में आसानी हो सके, इसलिए वो आपको यहाँ पे देखने को दिया गया है। जो आप देख सकते हैं, जो आप पॉज करना यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपको स्लाइडर से आप अप डाउन वॉल्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी स्मूथलेस आपको कंट्रोलर देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको डबल स्पीकर के साथ ड्राइवर देखने को मिलता है काफ़ी, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट आप ड्राइवर्स देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप ड्राइवर्स देख सकते हैं पीछे से, काफ़ी बिल्ड क्वालिटी सही आपको देखने को मिलता है एयरफोन्स की। और यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कैप देखने को मिलता है, और आपके वायर में कुछ गड़बड़ नहीं हो सके इसलिए कुछ दिया गया है, यहाँ पे कैप कट भी ना पड़ सके इसलिए। और इसकी आपको वायर की मैं बात करता हूँ अभी, जो आपको वायर काफ़ी बढ़िया कोटिंग के साथ आपको देखने को मिल जाते हैं, और वायर के ऊपर की तरफ आपको एक कोटिंग देखने को मिलता है, प्लास्टिक पाइप की आपको कोटिंग देखने को मिलता है, काफ़ी बढ़िया है। और आपकी कभी भी ऊपर टॉप के ऊपर आप राइट का यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एयर टिप्स आपको दो ही देखने को मिलता है, उसमें से आप कौन सा आप आपका कान के हिसाब से आप लगा सकते हैं, और काफ़ी इतना ही। और अभी इसका पूरा टेस्ट करते हैं, बेज वगैरह कैसा आता है देखेंगे, और आपको फिर से जो आपको इसको परचेज करना चाहिए या नहीं चाहिए इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। हेलो गाइस, इसकी आज हम पूरा टेस्ट करते हैं अभी, और आपको पूरा इसका रिजल्ट मैं अभी बताने वाला हूँ, इसको आपको परचेज करना सही रहेगा या नहीं। चलिए इसकी टेस्ट करते हैं।
या फिर इसको लगाते हैं अभी ऐसे, पूरा टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे परचेस करना सही रहता है या नहीं रहता है, देखेंगे। काफ़ी आपको बढ़िया बेस देखने को मिलता है, काफ़ी आपको इसमें दिक्कत नहीं है, आप बिंदास इसको परचेस कर सकते हैं। और इसमें आपको डबल दो स्पीकर लगा हुआ आपको देखने को मिलता है और आप सिंपल जैसे उसको परचेस कर सकते हैं, और काफ़ी आपको बेस 100% आपको इसमें बेस देखने को मिल जाता है, और काफ़ी सही आपको 369 रुपीज़ में आपको काफ़ी अच्छा डबल स्पीकर आपको बेस के साथ ईयरफोन आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जल्दी से जल्दी बाय कर सकते हैं। और काफ़ी बढ़िया आपको ईयरफोन्स देखने को मिलता है और काफ़ी एक्स्ट्रा बेस भी आप बोल सकते हैं, और काफ़ी आपको फीलिंग जो आती है जो एक्स्ट्रा बेस, और आपको इतना बेस आता है काफ़ी बढ़िया तरीके से उसको आप परचेस कर सकते हैं, और काफ़ी आपको नॉर्मल भी उसमें साउंड आप सुन सकते हैं, ऐसे आपको देखने को नहीं मिलता, काफ़ी एक्स्ट्रा और काफ़ी क्वालिटी का बेस आप इसमें देखने को मिलता है। दो या दो ड्राइवर्स में दो स्पीकर लगे हुए आपको देखने को मिलेगा, और काफ़ी आपको बढ़िया और काफ़ी अच्छी क्वालिटी, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें, आप बिल्कुल भी सही तरह से परचेस कर सकते हैं। और आपको मैं बताता हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, हमको भी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। काफ़ी बढ़िया है, आप बिल्कुल भी इसको गेमिंग के लिए तो भी काफ़ी बढ़िया है, और आप सॉन्ग सुनने में काफ़ी आपको एकदम सॉलिड आप इसे परचेस कर सकते हैं, इतना मज़ा आता है जो सॉन्ग सुनने में, इतना बेस इसमें आपको सुनने में काफ़ी बेस इसमें देखने को मिलता है। मैं इसका रेटिंग देना चाहता हूँ, मैं रेटिंग में देना चाहता हूँ इसकी 100 में से 100 रेटिंग इसका मैं देना चाहता हूँ, जो काफ़ी आपको बढ़िया आपको मिलता है, और काफ़ी बढ़िया ईयरफोन मुझे ये लगा, काफ़ी पसंद मुझे ये ईयरफोन आ चुका है। और मेरी फिर से मैं बताता हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ऐसे लेटेस्ट आपको अपडेट मिलता है। इसको परचेस करना चाहते हैं बिल्कुल सही तरीके से परचेस कर सकते हैं, नो डाउट। और आपको मैं बताता हूँ, इस कंट्रोलर में काफ़ी अच्छे से वर्क